नमस्कार दोस्तों आशूस कुकिंग मैजिक से मैं आशु अपने प्यारे यूट्यूब परिवार के लिए मोमोज की ज़बरदस्त तीन रेसिपीज़ लेके आई हूँ हम सबसे पहले बनाएंगे वेज स्टीम मोमोज़ और इसके साथ बनाएंगे फ्राइड मोमोज और सम... मोमोज मंचूरियन भी आज हम आपको घर पे बनाना बताएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसी के साथ दोस्तों मैं आपको मोमोज़ की तीखी लाल चटनी भी बनाना बताऊंगी सारी बारीकियां आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि आपके बिल्कुल परफेक्ट मोमोज़ घर पे बने जब आप एक बार मेरे तरीके से मोमोज़ को बना लेंगे तो 100 परसेंट आप बाज़ार का मोमोज खाना तो बिल्कुल भूल जाएंगे तो वीडियो में मेरे साथ आप एंड तक बने रहिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्यारे से परिवार का आप सदस्य बने करते हैं लहसुन और अदरक को चॉप करने से यहाँ पे हमने 25 से तीन मोटी मोटी लहसुन की कलियां ली है और दो इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको कि हम एक चॉपर में अच्छे से महीन चॉप करेंगे हमें लहसुन और अदरक आज की रेसिपीज में ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम मोमोज की स्टफिंग में भी इसको यूज करेंगे साथ ही में लाल वाली तीखी चट्टी बनाएंगे उसमें भी डालेंगे और साथ ही में मोमोज मंचूरियन की जो ग्रेवी तैयार करेंगे उसमें भी लहसुन और दरक की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर मैंने चॉपर से देखे कितना बढ़िया तरीके से लहसुन और अदरक को चॉप कर लिया है तो ये तैयारी हमारी हो चुकी है अभी फ़िलहाल हम इसको साइड में रख देते हैं चलिए तो स्टफिंग तैयार करते हैं एक बोल में हम एक कप पत्ता गोभी जिसे कि हमने ग्रेट करके यूज़ कर रही हूँ और पत्ता गोभी को बहुत अच्छे से मैंने नमक के पानी से धो लिया उसके बाद हमने ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है थोड़ी सी प्याज डाल देंगे महीन महीन चॉप करके शिमला मिर्च डाल दिया है महीन महीन चॉप करके गाजर डाल दिए ग्रेट करके और यहाँ पे हम हरी प्याज भी डाल रहे हैं खूब महीन महीन काट के तो सब्जियाँ आप कोई भी यूज़ करिए लेकिन सब्जियों को बहुत महीन बारीक काटिएगा हरी मिर्चा डाल दी है एक से दो और अब हम इन सारी सब्जियों में एक चम्मच भर के नमक मिला देंगे नमक जब सब्जियों के संपर्क में आता है तो सब्जियां बहुत सारा पानी छोड़ती हैं तो हमें इसका पानी अलग करना है जिससे कि हमारी मोमोज़ की स्टफिंग बहुत बढ़िया बने तो नमक को खूब अच्छे से सब्जियों में आप मिक्स कर दीजिएगा और इसको लगभग हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि काफ़ी अच्छे से पानी इसका रिलीज़ हो जाए जब तक कि ये पानी ही इसका रिलीज़ होता है तब तक हम चटनी बना लेते हैं तो हमने एक कढ़ाई को गैस पे रख दिया है अब हम इसमें तीन कप के करीब पानी डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें टमाटर डालेंगे मीडियम साइज़ के तीन से चार जिसको कि ऊपर से हमने कट लगा के दो भागों में डिवाइड कर दिया है टमाटर के साथ हम सूखी लाल मिर्च डालेंगे जो खड़ी लाल मिर्च होती है तो यहाँ पे मैंने ये नॉर्मल वाली खड़ी लाल मिर्च आठ से दस ली है क्योंकि ये तीखी बहुत होती है इसके बाद दस से बारह मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ली है ये तीखी कम होती है इसका कलर बहुत अच्छा आता है तो आपके पास जो भी लाल मिर्च हो सूखी आप वो डालिए और जितना आपको तीखा पसंद हो अपने स्वाद के अनुसार आप इसको या घटा सकते हैं पानी में मिर्च और टमाटर बिल्कुल डूबा रहना चाहिए इसको अब हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बॉईल करेंगे ठीक है तो 10 मिनट के लिए हम टमाटर और सूखी लाल मिर्च को बॉईल करने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं तो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको बॉईल किया है टमाटर और लाल मिर्च को तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से गल गया है टमाटर ने अपना छिलका भी छोड़ दिया है तो बस यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और टमाटर और लाल मिर्च जो है इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे ठीक है इसको हमने एक बोल में निकाल लिया है ठंडा करने के बाद हम इसको पीसेंगे मिक्सी में अच्छी सी प्यूरी तैयार करेंगे और जो ये बचा हुआ पानी है ना इसे फेंकना नहीं है इस पानी को हम चटनी बनाने में आगे यूज़ करेंगे जब जब हमें पानी की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे अब हम एक मिक्सी जाल लेते हैं इसमें हम टमाटर और लाल मिर्च जो उबाली थी उसको हम अच्छे से महीन पीसेंगे टमाटर का छिलका आप चाहें तो हटा सकते हैं मैं तो टमाटर के छिलके के साथ ही पीस ले रही हूँ क्योंकि बहुत महीन पीसना है और जो पानी बचा था वो पानी मैं यहाँ पे लगभग आधा कप के करीब डाल के डाल दे रही हूँ जिससे कि चटनी जो है मीन्स प्यूरी बहुत अच्छी महीन पिस जाएगी तो ये देखिए खूब महीन सी प्योरी बनकर तैयार हो चुकी है तो फटाफट कढ़ाई को गैस पे चढ़ाते हैं चार चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डाल देते हैं ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऑयल से एक प्रिजर्वेटिव का, का काम करेगा साथ ही में हमारी चटनी की जो लाइफ है वो काफ़ी लंबी होगी आप दस दिन तक आराम से चटनी खा सकते हैं ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें भर के दो चम्मच अदरक लहसुन डाल देंगे जो हमने पहले तैयारी की थी लहसुन अदरक को चॉपर से चॉप किया था तो वो डाल देंगे और अच्छे से इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है जैसे ही अदरक लहसुन का जो कलर हल्का सा चेंज होगा हमें बस वहीं तक इसको पकाना है तो इसको पकने में लगभग दो मिनट लगेगा लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो दो मिनट हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया है तो बस इसी टाइम पे जो हमने टमाटर और लाल मिर्च की जो प्यूरी तैयार की थी वो हम इसमें डाल देंगे अपने आप को बचा के डालिएगा क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है और ये एकदम से धड़क के अपने ऊपर भी छिट्टे आ जाते हैं तो अपने आप को बचाते हुए प्यूरी डालिएगा प्यूरी को हमने अदरक लहसुन के साथ डाल दिया है अच्छे से मिक्स कर दीजिए जल्दी जल्दी ऑयल में इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि जो चटनी बनेगी थोड़ी सी गाढ़ी मीडियम बनती है बहुत ज़्यादा ना पतली होती है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है तो हमने पानी को भी मिक्स कर दिया है अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें डालेंगे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार तो नमक आप जैसा खाते हो वैसा डाल दीजिए इसी के साथ हम एक चम्मच इसमें शक्कर डालेंगे शक्कर जो होती है लाल मिर्च की तीखेपन को बैलेंस करेगी और टमाटर के खट्टेपन को भी एक चम्मच वेनेगर डाल देंगे वेनेगर भी प्रिजर्वेटिव का, का काम करता है इसी के साथ एक चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे इसी के साथ मैं एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं कोई फ़ूड कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ चटनी को लाल करने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का कलर बहुत अच्छा आता है और ये तीखी कम होती है तो मैं कोई भी आर्टिफिशियल फूड कलर को नहीं यूज़ करती हूँ कोशिश करती हूँ नेचुरल चीज़ों से ही कलर अच्छा आ जाए तो यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को मिला दिया है अब हम इसको पकाएँगे लगभग पाँच मिनट के लिए ठीक है जैसे जैसे ये चटनी पकेगी इसका कलर और अच्छा आएगा और हमारी चटनी बनके तैयार हो जाएगी ये चटनी बिल्कुल बाजार जैसी तीखी वाली बनेगी जो आप मोमोज़ के लिए बाहर जाते हैं खाने अब आप घर पे ही बना के खाएंगे तो लगभग पाँच से सात मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने चटनी को अच्छे से पका लिया है चटनी बहुत बढ़िया बनी है इसका कलर बहुत अच्छा आया है साथ ही में इसकी कंसिस्टेंसी देखिए तो बिल्कुल बाजार जैसी है तो गैस की फ्लेम को अब हम यहाँ पे कर देंगे बंद और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और चटनी को मैंने दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है और ये देखिए तीखी लाल चटनी मोमोज़ वाली बिल्कुल बाजार जैसी बन के तैयार हो चुकी है ये चटनी थोड़ी ज़्यादा बनाई है इसको हम आगे मंचूरियन मोमोज़ की ग्रेवी में भी यूज़ करेंगे तो अभी फिलहाल हम इसको रखते हैं साइड में तो चलिए लगाते हैं मोमोज़ के लिए डो मोमोज़ के लिए डो हम लगा रहे हैं मैदे से तो एक पारात में हमने दो कप मैदा डाल दिया है और इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे नमक आधा चम्मच नमक को हम मैदे में खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि मोमोज़ के लिए जो डो बनाते हैं बहुत ही सख्त और टाइट तैयार करते हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे पानी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच वेनेगर ये है सीक्रेट टिप तो जब भी आप मोमोज़ का डो लगाएं तो उसमें एक चम्मच वैनेगर ज़रूर डालिएगा आपको इसका फ़र्क ज़रूर पता चलेगा इन सारी चीज़ों को मिला के अब हम अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मोमोज़ का जो डो है वो हमें सख्त लगाना है यानी कि टाइट तो ज़्यादा पानी ना डालिएगा थोड़ा थोड़ा करके पानी आप यूज़ करिएगा हल्का हल्का हाथ में पानी लगाते जाइए और डो को अच्छे से मल के मसल के गोथ लीजिए तो यहाँ पे हमारा डो जो है वो अच्छे से गुत गया है मैं इसको अच्छे से मल रही आप देख रहे हैं ना किस तरह से तो बस हमने इसको बस इतना ही लगाना है इससे ज़्यादा हमें गूथना नहीं है अभी फ़िलहाल हम इसको लगा के ढक के बीस मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि मैदा बहुत अच्छे से सेट से हो जाए ये सारी बारीकियों का आप विशेष ध्यान रखिएगा आपके मोमोज 100 परसेंट बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे तो अभी फ़िलहाल हम डो को साइड में रखते हैं अब हम वेजिटेबल्स की स्टफिंग देखते हैं तैयार करते हैं जिसमें हमने नमक मिला के रखा था एक बोल पे हमने कपड़ा रख दिया है इसमें सारी सब्जियां जो हमने नमक मिला के रखी थी वो डाल देते हैं क्योंकि हमें इसका एक्स्ट्रा पानी निकालना है तो सारे जो सीरे हैं उनको पकड़ के अच्छे से हाथों से स्क्वीज़ करिए तो ये देखिए कितना सारा पानी है हमें इसका ये सारा पानी निकाल देना है और इस पानी को आप फेंकिएगा नहीं ये पानी बहुत फ़ायदेमंद है इस पानी से आप रोटी या पराठे के लिए डो लगा लीजिए या फिर सब्जी बनाने में दाल बनाने में यूज़ कर लीजिए तो अभी तो फिलहाल हम इसको साइड में कर देते हैं अब हम सेम उसी बोल में ये जो स्टफिंग है इसको हम डाल देते हैं सारा वेजिटेबल्स की और ये देखिए बिल्कुल सूखा सूखा है हमारी सब्ज़ियाँ तो इसका पानी तो निकल चुका है अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाते हैं धनिया पत्ती डाल दी है हमने थोड़ी सी मेरे पास धनिया की पत्ती है अब हम इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं कुटी हुई काली मिर्च बहुत अच्छी लगती है तीन से चार दाने कूट के ज़रूर डालिएगा सोया सॉस डाल रहे हैं वन टेबल स्पून इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक खूब बढ़िया से डालिए भर के एक से डेढ़ चम्मच बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका नमक बहुत ज़रा सा डालिएगा वन फोर टेबल स्पून से ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि नमक हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है नमक की मात्रा का ध्यान रखिएगा इस बात को मैं दोबारा दोहरा रही हूँ क्योंकि अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी स्टफिंग ख़राब हो जाएगी ठीक है आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं लाल मिर्च नहीं खा रही हूँ तो मैं नहीं डाल रही हूँ स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है तो चलिए अब हम ज़रा घरेलू जुगाड़ वाला स्टीमर बना लेते हैं एक भगोने को हमने गैस पर रख दिया है इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके ऊपर बड़ी सी छन्नी रख देंगे और इस छन्नी के ऊपर हम एक ढक्कन लगा देंगे तो ये हमारा घरेलू जुगाड़ वाला स्टीमर बन गया है क्योंकि मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैं इसी जुगाड़ से मोमोज़ को स्टीम करूँगी तो आटा भी हमारा सेट हो चुका है इसको थोड़ा सा अपने हाथों से हम मल के मसल के और चिकना कर लेते हैं अब हम बात करेंगे मोमोज़ की स्टफिंग मतलब मोमोज़ को बनाने की शुरुआत करते हैं तो आटे को हमने हल्का सा चिकना कर लिया है इसको दो भागों में हम डिवाइड कर लेंगे क्योंकि अब हमें मोमोज़ के लिए पेड़े बनाने हैं तो इस तरह से हम एक लंबा सा बना लेंगे मैदा इस तरह से कर लेंगे और चाकू से हम हाफ हाफ इंच के बराबर छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे इससे क्या होगा कि आपके सारे मोमोज सेम साइज़ के बनेंगे तो ये काट लिया है इसकी हम पेड़े बना लेंगे ऐसे हाथ से गोल कर लेंगे तो ये सब तैयारी हो चुकी है तो चलिए अब हम इसको बेलना शुरू करते हैं इसकी पूड़ियाँ और इसकी पूड़ियाँ हमें पतली बेलनी है ठीक है तो देखिए हमें यहाँ पे आटे की भी ज़रूरत नहीं हो रही है ये बिना आटे की आ, से बिला जा रहा है क्योंकि हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है टाइट है इसलिए बेलने में हमें आसानी हो रही है जब डो टाइट होता है तो आप पतली से पतली पूड़ियाँ भी बना सकते हैं तो लगभग हमने इतनी पतली पूड़ी बना ली है अब हम इसमें स्टफिंग करके आपको तीन तरह के मैथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं एक मैथड शेयर कर रही हूँ पीछे से आप प्लेट्स बनाना शुरू करिए ठीक है ना ऐसे धीरे धीरे तो यहाँ पे मैं आपको तीन तरह के मेथड बताऊँगी जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से मोमोज बनाइए इस तरह से आप जो प्लेट्स बनाएंगे आधे से ज़्यादा आप पहले प्लेट्स बना लीजिए ठीक है ना फिर थोड़ा सा भाग छोड़ दीजिएगा वन फोर्थ उसमें आपको प्लेट्स नहीं बनानी है इस तरह से अंगूठे से स्टफिंग को दबाते जाइए और हमने यहाँ पे देखिए आधे से ज़्यादा प्लेट्स बना ली हैं इतना सा भाग छोड़ दिया उसको पीछे की तरफ ला के सारी प्लेट्स से हम जोड़ देंगे तो ये देखिए इस तरह से ये मोमोज़ की एक स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है ना बहुत आसान तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी हम मोमोज़ को तैयार करके रखते हैं तो उसके लिए हम एक थाली के ऊपर सूती कपड़ा रखते हैं इन सूती कपड़े के ऊपर हम सारे मोमोज की स्टफिंग को तैयार करके रखते जाएंगे इससे हमारे मोमोज थाली में चिपकेंगे नहीं अब हम आपको दिखा रहे हैं मैथड नंबर टू इसमें कुछ नहीं करना है चारों तरफ आप प्लेट्स बनाइए उनको आपस में चिपकाते जाइए ठीक है और इस स्टफिंग को धीरे धीरे दबाते रहिए और इस तरह से हमें एक पोटली बनानी है जैसे हम पोटली बनाते थे ये सबसे आसान मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बस ऐसे प्लेट्स बनाया इन सारे प्लेट्स को आपस आप में ला के ऐसे जोड़ देना है और इसको हल्का सा ट्विस्ट करके घुमा देना है और ये लीजिए सबसे आसान वाली स्टफिंग मोमोज़ की तैयार हो गई तो है ना ये बहुत आसान अब मैं आपको दिखाती हूँ मैथड नंबर तीन ये भी बहुत आसान है स्टफिंग को आप पूरी के बीच में रखिए किनारे जगह खाली रखिएगा आगे से पीछे की तरफ ला के इसके सिरों को आप चिपका दीजिए ये जैसे हम गुजिया भरते हैं ना उस तरह से चिपका दिया है अब इसको आप इस तरह से चकले पे बैठा दीजिए मीन्स रोलिंग बोर्ड पे बैठा दीजिए और जो इसके लास्ट वाले जो ये दोनों कोने हैं सिरे हैं इनको आपस में हमें बस जोड़ देना है ठीक है ना उंगली और अंगूठे की सहायता से हम इसे जोड़ देंगे इस तरह से ये भी बहुत आसान है तो मैंने आपके साथ तीन मेथड शेयर किए हैं इन तीनों मेथड में से जो भी मेथड आपको ज़्यादा इजी लगे आप फटाफट उसी तरीके से मोमोज को भरिए और बनाइए और अपने घर के परिवार के सदस्यों को खुश करिए तो यहाँ पे देखिए ये सारे मोमोज की स्टफिंग मैंने तैयार करके थाली के ऊपर सूती कपड़ा बिछाया है और उसके ऊपर रखा है इस तरह से हमारे मोमोज थाली पे चिपकेंगे नहीं मैं आपके साथ सारी बारीकियाँ शेयर कर रही हूँ बहुत ध्यान से मेरे वीडियो को देखिएगा आपके मोमोज़ 100% परसेंट बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे तो चलिए अब हम इनको स्टीम करने चलते हैं तो यहाँ पे हमने जो छन्नी रखी थी उसके ऊपर हम हल्का सा घी या ऑयल से ग्रीस कर देंगे जिससे कि मोमोज़ हमारे स्टीम होने के वक्त चिपके नहीं थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम मोमो को रख देंगे देखिए थोड़ी सी डिस्टेंस रखिएगा इसको ढक के हम लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे लगभग मैंने 20 मिनट पकाया है इस तरह से क्या होगा कि मोमोज़ के अंदर की जो स्टफिंग है वो भी पक जाएगी कुछ भी कच्चा नहीं रहेगा तो यहाँ पे हम एक प्लेट के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देते हैं घी लगा देते हैं क्योंकि स्टीम किए हुए जब मोमोज़ आएंगे तो हम उनको इनके ऊपर रखेंगे तो हमारे मोमोज चिपकेंगे नहीं तो ये देखिए मोमोज़ स्टीम हो चुके हैं लगभग 20 मिनट हमने इनको स्टीम किया है आ हा हा क्या मोमोज़ की रंगत आई आप है आप देखिए कितने परफेक्ट मोमोज़ बने हैं ये दिखने में जितने लाजवाब है ना ये खाने में बहुत टेस्टी बने थे काश मैं आप लोगों को खिला पाती मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है तो एक बार मैं फिर से दूसरा बैच तैयार कर रही हूँ देखिए डिस्टेंस हम एक एक इंच की रख रहे हैं क्योंकि मोमो जब स्टीम होते हैं तो थोड़े से फूल जाते हैं तो वो आपस में चिपके नहीं हमें इस बात का ध्यान रखना होता है फिर 20 मिनट बाद हम इनको फिर से चेक करते हैं तो वाह जी वाह ये वाले हमारी स्टफिंग के भी मोमोज़ बनके तैयार हो चुके हैं तो चलिए अब हम इनको सर्व करते हैं मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है तो ये हमारे स्टीम्ड मोमोज़ बनके तैयार हो गए हैं इसी के साथ हमारी तीखी वाली लाल चटनी भी बन गई है अगर आप इसको ऐसे ही खाना चाहते हैं तो आप खाइए आपको बहुत मज़ा आएगा लेकिन मेरे मोमोज़ को अपने घर में एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा अब हम चलते हैं मंचूरियन मोमोज़ बनाने और ये मोमोज़ तो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आने वाले हैं तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे इसके लिए सॉस बनाएंगे तो एक कढ़ाई में हमने टू टेबल स्पून डाल दिया है ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें जिंजर और गार्लिक जो हमने चॉप किए थे वो दो चम्मच भर के डाल देंगे तो जिंजर और गार्लिक डाल दीजिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे लगभग दो मिनट के लिए जैसे ही इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा ये देखिए हमने इनको इतना फ्राई किया जलाना नहीं है लहसुन का टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए बस हल्का सा सुनहरा कलर आना चाहिए तो यहाँ पे देखिए इनका कलर हल्का सा सुनहरा हो गया बस इसी टाइम पे अब हम इसमें कुछ इंग्रीडी डालेंगे तो यहाँ पे हमने स्प्रिंग अनियंस डाल दिया है और ये आप जितना चाहें उतना डाल दीजिए इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च दो डाल दिए हमने अब हम इसमें डाल रहे हैं एक प्याज छोटी थी और एक शिमला मिर्च छोटी थी जिसको कि हमने खूब पतला पतला इस तरह से काट लिया है इसको भी हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर लगभग एक मिनट के लिए सौते करेंगे हमें प्याज और शिमला मिर्च को ओवर कुक नहीं करना है हमें बस इन्हें सौते करना है जिससे कि इन सब्जियों का क्रंच मेंटेन रहे तो ये देखिए फटाफट इनको चलाते हुए हम फ्राई कर रहे हैं जैसे कि हम चौमिन को फ्राई करते हैं चौमीन की सब्जियों को उसी तरह से हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है अब हम इसमें डाल देते हैं कुटी हुई काली मिर्च आधा चम्मच काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है नमक स्वाद के अनुसार डाल दीजिए और अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस एक चम्मच भर के ठीक है ना एक चम्मच सोया सॉस डाल दिया एक चम्मच हम वाइट वैनेगर डाल देंगे गैस की फ्लेम को लो रखिएगा इस टाइम पे जिससे कि ये सारी चीज़ें जले नहीं इस बात का ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को हमने आपस में खूब अच्छे से मिक्स कर दिया है अब जो हमने बनाया था तीखी वाली लाल चटनी मोमोज़ वाली वो हम तीन से चार चम्मच डाल दे रहे हैं ठीक है ना ये चम्मच मेरी बड़ी है तो मैंने सिर्फ दो चम्मच डाला है और अब हम डाल देते हैं टू टेबल स्पून टमेटो सॉस सबके घर में होता है दो से तीन चम्मच टोमेटो सॉस डाल दीजिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसके बाद हम एक बोल में थोड़ा सा पानी लेंगे आधा कप के करीब और उसमें एक चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर डाल देंगे ठीक है ना इसको हमने इसमें अच्छे से घोल दिया है और कॉर्नफ्लोर पानी में घोलने के बाद हम इसमें डाल देंगे और लगभग एक से डेढ़ कप हम इसमें पानी डाल देंगे ठीक है और अब हम इसको पकने देंगे तो जैसे जैसे पानी बॉयल होगा ये अपने आप कॉर्नफ्लोर की आ, हेल्प से गाढ़ा होने लगेगा ये बहुत टेस्टी सॉस बन रहा है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ जब आप इसे बनाएंगे ना आपको मजा आ जाएगा पाँच मिनट के लिए हम इसको ढक के लो फ्लेम पे बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक मैं आपको यहाँ पे मोमोज़ दिखा देती हूँ हम ये स्टीम्ड मोमोज़ को इसमें यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल ठंडे होने चाहिए ठीक है लगभग दो घंटे बाद हम इन स्टीम मोमोज़ को यूज़ करेंगे तो पाँच मिनट बाद हम इस सॉस को चेक करते हैं बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका देखिए कितना बढ़िया से ये बॉयल आ चुका है इतना बॉयल हो जाना चाहिए और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाना चाहिए इसका कलर देखिए कितना बढ़िया लाजवाब आया है तो बस इसमें स्टीम्ड ठंडे मोमोज़ को हम डालेंगे ये गलती मत करिएगा आप कि गरम गरम स्टीम किए हुए मोमोज़ को आप इसमें डाल देंगे तो आपके मोमोज़ फट जाएंगे जब मोमोज बिल्कुल ठंडे हो तब आप इसमें डालिएगा अब हम इसको सिर्फ दो से तीन मिनट बॉईल करेंगे इस सॉस के साथ मोमोज़ को बहुत डिलीशियस रेसिपी है इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मैं आपको बता रही हूँ आपको बहुत पसंद आएगा थोड़े से स्प्रिंग अनियंस डाल दिए हैं खूब अच्छे से बॉईल हो चुके हैं मोमोज़ थोड़े से फूल भी चुके हैं साइज में बड़े हो गए हैं और इसका सॉस का कलर देखिए कितना बढ़िया आया है और ये एक मोमोज मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ आ हाँ मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है तो चलिए देर ना करते हुए हम इसको सर्व करते हैं और बच्चे तो इसको अब बाहर कभी नहीं खाएंगे हमेशा घर में खाएंगे जब आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे बिल्कुल आपके बच्चों से ले बड़ों तक सबको ये बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है मेरी कोशिश है कि मेरा जो यूट्यूब का परिवार है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सारी घर पे बनाना सीखे जो हमें रेस्टोरेंट और होटल में खाने को मिलता है तो ये लीजिए हमारे मोमोज़ मंचूरियन बनके मन तैयार हो चुके हैं लग रहे हैं ना बहुत ही लाजवाब कहीं से ये नहीं दिख रहे कि इन्हें हमने घर पे बनाया है तो आप लोग भी मोमोज मंचूरियन ज़रूर ट्राई करिएगा तो चलिए झटपट बनाते हैं फ्राइड मोमोज़ इसे बनाना तो बहुत ही आसान है फ्राइड मोमोज़ हमेशा स्टीम्ड मोमोज से ही बनाए जाते हैं मोमोज़ को पहले आप स्टीम कर लीजिए उसके बाद उसे दो घंटे के लिए ठंडा कर लीजिए फिर आप इसको फ्राई करिए तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई को गैस पे रख दिया है इसमें हम तेल डाल दे रहे हैं फ्राई करने के लिए तेल को हम अच्छा गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तेल जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें एक एक करके स्टीम्ड मोमोज़ को डाल देंगे तो यहाँ पे हमने स्टीम्ड वेज मोमोज डाल दिए हैं इनको अल्टा पल्टी करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चारों तरफ से सुनहरा कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा एक बैच फ्राई हो गया है देखिए कितने लाजवाब लग रहे हैं इसी तरह से हम सारे मोमोज़ को फ्राई कर लेंगे तो ये लीजिए हमारे फ्राइड मोमोज़ भी बन के तैयार हो गए इनको गर्मा गर्म तीखी वाली जो लाल चटनी उसके साथ खाइए आ हा हा बड़ा ही मज़ा आ जाएगा तो भाई आज मैंने आपके साथ तीन तरह के मोमोज़ की रेसिपी शेयर करी है और साथ ही में तीखी वाली लाल चटनी भी बनाना बताया है तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो ये कोशिश आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्यारे से यूट्यूब परिवार का आप सदस्य बने हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक क्या करना है आपको पता है ना घर का बना हुआ खाना खाना है स्वस्थ रहना है मस्त रहना है और मेरा वीडियो देखते रहना है Bye bye and take care.